माँ बनना इस दुनिया की हर एक महिला के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कंसीव ना कर पाने की वजह से या फिर किन्हीं कारणों की वजह से माँ नहीं बन पाती, जिसके बाद वो आईवीएफ का सहारा लेती हैं। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर आभा मजूमदार, जो कि सेंटर ऑफ आईवीएफ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं और हेड हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मैम, सबसे पहले तो आसान भाषा में समझना चाहेंगे कि आखिर आईवीएफ, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये क्या है? ऋषि भा, आईवीएफ अब तो काफ़ी पुराना हो चुका है दुनिया में और ज़्यादातर लोग जानते हैं। जब कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है तो कभी दवाइयों से ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी से ट्रीटमेंट होता है, और जब वो सब नामुमकिन हो तो हम भ्रूण लेबॉरेटरी में बॉडी के बाहर बनाते हैं। उसके लिए महिला का एक जो अंदर ही रिलीज होके उसके यूट्रस तक पहुंचना चाहिए, बाहर निकाल लेते हैं। उसके हस्बैंड का स्पर्म भी हम लेबॉरेटरी में कलेक्ट कर लेते हैं। उस एग को और स्पर्म को मिला के जो भ्रूण बनता है उसको फिर हम वजाइना के रास्ते से यूट्रस के अंदर डाल देते हैं, और वो वहाँ अगर जड़ पकड़ लेता है तो वो पूरे 9 महीने के बच्चे में विकसित होता है, जैसे कोई और नॉर्मल प्रेगनेंसी विकसित होती है। यहाँ पे क्योंकि गर्भ के बाहर भ्रूण का निर्माण हो रहा है, इसलिए इन विट्रो बोलते हैं। विट्रो मतलब बॉडी के बाहर। जो नॉर्मल गर्भ का धारण होता है, इन वीवो होता है, मतलब बॉडी के अंदर होता है जी। इसी का दूसरा नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी जी, क्योंकि सारी प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिशेज में होती है जी। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर जाने कि ये जो उम्र है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है, वो किस उम्र की महिलाएं जो हैं वो करा सकती हैं, किस उम्र की महिलाओं के लिए ये सेफ है? देखो, ऐसा है कि हमारे यहाँ हमेशा से कहा जाता था लड़की की बहुत उम्र होने पर शादी मत करो, बच्चे होने में तंगी हो जाएगी। तो जनरली हम लोग मानते हैं 30 साल तक सबसे आसान होता है बच्चे होना, क्योंकि उस समय एग्स भी बहुत नंबर में होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, और दूसरा बीमारियां भी जेनाइटल ट्रैक्ट को छू नहीं पाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बहुत बीमारियां हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस, ये सारा बीमारियां भी होनी शुरू हो जाती हैं जो उसके प्रेग्नेंट होने में बाधक होती हैं। तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि आईवीएफ बेस्ट है 35 से पहले हो जाए, लेकिन हम लोग 43-44 तक उसी लेडी के एग्स यूज़ करके उसको प्रेग्नेंट कर सकते हैं, और लॉ ने तो अब हमें 50 साल तक की इजाज़त दे दी है। हालांकि 45 के बाद उस औरत के एग्स इतने हेल्दी नहीं रहते हैं कि उनसे अच्छा भ्रूण बन सके, तो उसमें हम लोग जनरली यंग डोनर्स के एग लेते हैं, हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, भ्रूण बनाते हैं, और वो औरत उस प्रेगनेंसी को धारण करती है और 9 महीने बाद डिलीवर करती है बच्चे को। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जिस तरीके से गर्भ धारण किया जाता है और बच्चा जो है जन्म लेता है, तो क्या किसी भी तरह का इम्पैक्ट जो है वो बच्चे पर देखने के लिए मिलता है आने वाले बच्चा समय में? बिल्कुल, जैसे नॉर्मली बच्चे कंसीव होते हैं उन्हीं की तरह होता है। नॉर्मल बच्चों में भी विकार होते हैं, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी तरह से आईवीएफ के बच्चों में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बस प्रॉब्लम अगर है तो उसकी बिल्कुल वैसे ही जांच होती है जैसे एक खुद से प्रेग्नेंट हुई औरत की प्रेगनेंसी की जांच होती है जी। और बात अगर सेफर साइड की करें तो ये जो प्रोसेस है ये कितना सेफ़ है माँ के लिए भी और साथ ही साथ बच्चे के लिए भी? माँ के लिए अब ये सेफ होता जा रहा है। जैसे हर सर्जरी में बहुत चेंजेस आए पिछले लास्ट 20-25 साल में, आईवीएफ की उम्र भी अब 40 साल से ज़्यादा हो गई है। शुरू में प्रेगनेंसी का रेट मुश्किल से 20% हम लोग बहुत मेहनत करके ला पाते थे, अब हम आसानी से 50-60% प्रेगनेंसी दे पाते हैं। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है फेलियर, कि हमने भ्रूण रखा, लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई, बहुत निराश हो जाती हैं लड़कियाँ, ये बच्चियाँ। सो इसके अलावा रिस्क बहुत कम है, ना इसमें कोई कट लगता है सर्जरी की तरह, ना कोई टांका लगता है। हाँ, एक नीडल ज़रूर ओवरी में डाली जाती है जिसमें से सारे एग्स, जितना लगभग साल भर में एग बनाती है एक लेडी, उतना हम लोग 10 दिन में विकसित करते हैं और उन सबको निकाल लेते हैं। तो उनसे जो भी भ्रूण बनते हैं उनको हम प्रिजर्व कर लेते हैं या लेडी के अंदर डाल देते हैं।
अच्छा, ये भी माना जाता है कि IVF से मल्टीपल प्रेगनेंसी का जो है खतरा वो रहता है, कि कहीं ना कहीं मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाती है, ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, तो वो ऐसा होता है? और देखो, जैसे जैसे साइंस एडवांस करता है, हम लोग रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस जिनको बोलते हैं उनको कम करते जाते हैं। एक सिजेरियन डिलीवरी 40 साल पहले काफ़ी लोग डरते थे, अब आम तौर पे लड़कियां सिजेरियन कराती हैं क्योंकि उससे होने वाली रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो गई हैं। इसी तरह से IVF में शुरू में तीन तीन चार चार एम्ब्रियो डालते थे क्योंकि मुश्किल से एक जड़ पकड़ पाता था, अब वो ज़माना चला गया है। अभी भी इंडिया में 80% सेंटर्स जो हैं वो दो से ज़्यादा या तीन चार तक एम्ब्रियोज डाल देते हैं, दो तो डालते ही हैं। हार्डली 20% ऐसे सेंटर्स होंगे जो सिर्फ एक एम्ब्रियो डालते हैं, और अगर एक भ्रूण या एम्ब्रियो हम यूट्रस में डालें तो वो दो प्रेगनेंसी तो नहीं बन सकता है ना, तो वो सिंगल प्रेगनेंसी होती है। तो आजकल हम लोग काउंसिल करते हैं पेशेंट्स को अगेंस्ट इसके, कि पेशेंट्स आके भी बोले कि हमें ना दो बच्चे पैदा करवा दीजिए। हम बोलते हैं अगर दो भ्रूण डाले, तीन प्रेगनेंसीज में से सिर्फ एक पूरे दिन तक जाएगी और तुम वो दो सुंदर बच्चे देखोगे, दो प्रेगनेंसीज बीच में खो जाएंगी, तो मत डलवाओ क्योंकि उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है सिंगल प्रेगनेंसी। माँ पर तो बहुत ज़्यादा ही खतरा, माँ पर भी, बच्चे पर भी, प्री टर्म डिलीवरी, नर्सरी में ज़िंदगी बीतती है बच्चे की शुरू की दो दो महीने की, प्लस और कॉम्प्लिकेशंस जो प्री मेच्योरिटी के होते हैं वो सब बच्चा भूखता है, इवन IQ पे नज़र उसका असर पड़ता है बच्चे के। जी, तो आइए, जब IVF के ज़रिए बच्चे को जन्म दिया जाता है तो क्या वो भी, उसमें भी चांसेस हैं कि प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाए? अगर एक बच्चा होता है तो प्री मेच्योर डिलीवरी के बहुत कम चांसेस होते हैं, अगर एक ही एम्ब्रियो एक ही बच्चा बढ़ रहा है लगभग उतना ही चांस होता है जितना कुदरती तौर पे एक बच्चे का होता है, पर जब दो होते हैं तो उसका चांस दुगना हो जाता है, और जब तीन होते हैं तो उसका चांस और बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ भ्रूण यूट्रस में बढ़ रहे हैं औरत के, उतनी जल्दी डिलीवरी होने का एक भय रहता है। IVF से ये जो प्रोसेस है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से, सबसे पहला जो बच्चा था वो कहाँ पर हुआ है, और अगर इंडिया की बात करें तो भारत में कहाँ पर जन्म लिया है? देखो, दो चीज़ें हैं और ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना। दुनिया का पहला बच्चा UK में हुआ, और ये वहाँ के स्टेप्टोर एडवर्ड दो साइंटिस्ट और गायनोकोलॉजिस्ट थे जिनकी एफर्ट से हुआ। इस बच्ची का नाम है लुई ब्राउन, और ये लुई ब्राउन 1978 में हुई, तो अब समझ लो ये 46 ईयर्स की हो गई, इसके अपने बच्चे हो चुके हैं। और उसके बाद में एक एक साल में एक एक बच्चा होता गया। हमारे यहाँ जो असल में पहला बच्चा हुआ वो उसी साल में हुआ था, 78 जुलाई 25 को लुई ब्राउन का जन्म हुआ, इसलिए इसको वर्ल्ड IVF डे के नाम से दुनिया भर में सेलिब्रेट होता है। जी। इंडिया का पहला बच्चा 3 अक्टूबर 1978 में हुआ, 67 डेज के बाद, किसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, कोई मानने को नहीं तैयार था। हमारे पास पब्लिकेशन जर्नल राइटिंग की बहुत कमी थी, हैंड रिटन नोट्स थे, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय हैं जिनके एफर्ट से ये बच्चा हुआ था, वो बिल्कुल अनसुना अनदेखा निकल गया। उस डॉक्टर ने इतनी इसको जलील किया गया कि उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, उनकी बात को माना नहीं गया, बोला तुम झूठे हो, उन्होंने इस तरह से बच्चा जन्म दिया है, आप झूठ बोल रहे हो। उन्होंने 1981 में आत्महत्या कर ली। उनके लिए तो आपने शायद एक मूवी सुनी होगी, एक डॉक्टर की मौत, वो 1990 में बनी थी सिर्फ इस सच्चाई को सामने लाने के लिए। बट इस सच्चाई को कौन सामने लाया? प्रोफेसर TC अनंत कुमार, जो असल में फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड IVF बेबी जो इंदिरा हिंदुजा के साथ हुआ, जो 1986 में हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उन्होंने जब सुभाष मुखोपाध्याय के हैंड रिटन नोट्स देखे तो उन्होंने कहा अरे ये तो बिल्कुल करेक्ट टेक्निक यूज़ हुई है, वही टेक्निक है जो हम लोगों ने यूज़ की है। तो उन्होंने उस समय ये टेक्निक यूज़ करी, इतने साल पहले उन्होंने एक लेक्चर दिया इसके ऊपर समवे अराउंड 96, और 2001 में ICMR ने सुभाष मुखोपाध्याय को ये ड्यू रिस्पेक्ट दी कि ही वॉज द क्रिएटर ऑफ इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी और दुनिया का सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी। सो देखा जाए तो हमें 3 अक्टूबर को भी इंडियाज IVF डे करके सेलिब्रेट करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी है आपने दिए। इसी के साथ बात करते हैं IVF को लेकर भारत में
क्या कानून बने हुए हैं, किस तरीके के कानून हैं, क्या लॉज हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, इसके पीछे काफ़ी दिनों से कोशिश हो रही थी ICMR और जो ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, सब मिलके चाह रहे थे कानून बन जाए, क्योंकि बहुत बहुत तरह से इसको विकसित कर रहे थे। जब भी कोई साइंटिफिक विकास होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट में सरोगेसी का नाजायज़ यूज़ करना, बहुत सारे भ्रूण डालना कि जस्ट उस सेंटर को एक प्रेगनेंसी पॉजिटिव का सर्टिफिकेट मिल जाए, ये सब चीज़ें हो रही थी। अभी 2021 दिसंबर में पहली बार ARTबिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हुआ और इस गैजेट में आया और फेबररी 2022 में इसको लागू कर दिया गया। अब हम सब सेंटर्स को हमारे काम के ऊपर एक्रेडिट कर रहे हैं, हम लोगों को एक्रेडिटेशन मिल चुका है, पर अभी भी इंडिया के 80% सेंटर्स हैं जिनको एक्रेडिटेशन अभी तक नहीं मिला है। तो इस नियम को लागू करने से उन्होंने सरोगेसी को तो ऑलमोस्ट बैन कर दिया, सिर्फ मतलब अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, जिसका मतलब है बिना कोई पैसे का लेन देन किए सरोगेसी हो सकती है, पर कोई भी कॉमर्शियली सरोगेसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और अगर पैसे का लेन देन नहीं हो तो वो अपने ही हैं जो आगे आके किसी का बच्चा अपने गर्भ में धारण करेंगे, तो उसको लीगलाइज कर दिया है गवर्नमेंट ने, बाकी सब बंद कर दिया, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज़ हो रहा था, बहुत पैसे वाले लोग बॉलीवुड सरोगेसी का बेतहाशा फ़ायदा उठा रहे थे। असली में जो बच्चियां जिनको सरोगेसी चाहिए, जिनके यूट्रस निकाल दिए गए किसी बीमारी की वजह से, या डिलीवरी में उनका यूट्रस को निकालना पड़ा उनकी जान बचाने के लिए, या जो बिना यूट्रस के पैदा हुए, या जिनके यूट्रस में इतनी बीमारी फाइब्रॉइड्स थे कि वो बच्चा पकड़ ही नहीं सकता है यूट्रस, ऐसी लड़कियों को कम और फैंसी लोगों को ज़्यादा सरोगेसी का सुख मिल रहा था। तो शायद गवर्नमेंट ने अच्छा ही किया जो इसके ऊपर थोड़ी रोक टोक लगा दी, बहुत ज़्यादा रोक टोक अभी भी नहीं है, क्योंकि सब वो हमने बोला ना आसपास से रास्ते निकाल लेते हैं, तो वो रास्ते अभी भी निकलेंगे, लेकिन कम से कम आसानी से नहीं निकलेंगे वो रास्ते। अच्छा, ये जो आज के दौर में अचानक से इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो बढ़ गया है, या फिर कंसीव ना कर पाना है, कुछ ना कुछ ऐसा कारण जिसकी वजह से IVF की मदद लेनी पड़े या फिर सरोगेसी की मदद लेनी पड़े, इसका जो कारण है आप क्या देखते हैं कि इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ज़िंदगी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हम लोग जो 2050 में पैदा हुए हम लोगों ने वो ज़माना देखा है जब कोई तरह का मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, और अब इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत हो रही है, सारी लड़कियां काम कर रही हैं, सो नेचुरली करियर बनाना, पढ़ाई करना, उसमें बहुत साल निकल जाते हैं। अब वो 24-25 में लड़कियों की शादी करने का ज़माना चला गया है, सब लड़कियां 30 के बाद रेडी होती हैं कि हम शादी करेंगे, उसके बाद कुछ साल गंवा देती हैं कि नहीं नहीं अभी हम स्टेबलाइज नहीं हुए हैं, हम अभी और। तो एक तो एज बढ़ने लगी है कंसेप्शन की लड़कियों की आफ्टर मैरिज, या मैरिज की मैरिज भी लेट होने लगी हैं, ये डिसाइड करना कि हमें परिवार चाहिए उसकी भी एज डिले हो रही है, तीसरी इन्वेस्टिगेशंस बहुत अवेलेबल हो गए, चौथी चीज़, जब मैंने IVF शुरू किया था 1990 में, आधे पेशेंट्स बोल के जाते थे घर वालों के सामने मत बोलिएगा कि IVF से बेबी हुआ है, वो लोग इसको समझते थे कि किसी तरह का पाप है। लेकिन अब लोग बहुत मज़े से बोलते हैं कि जी हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, मैम आप हमारा ना एग्स फ्रीज कर लो, 4 साल बाद आएंगे तब हम IVF, सबको बोलते हैं। कहीं ना कहीं जो उम्र है वो बहुत मैटर करती है, बहुत में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं? लाइफ स्टाइल या फिर स्मोकिंग या एल्कोहल, आपको सब कुछ, सोशलाइजिंग इतनी हो गई है कि कपल्स को सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का टाइम नहीं मिलता है। ज़्यादातर हम इन कपल से पूछते हैं कि भाई तुम लोग कुछ टाइम आपस में स्पेंड करते हो? नहीं जी, हम इतना थक जाते हैं कि वी जस्ट स्लीप एंड गेट अप फॉर द नेक्स्ट डे। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स कम हो गए हैं वर्किंग कपल्स में, स्पेशली लेट नाइट आना, शिफ्ट में काम करना। दूसरा डेफिनेटली जैसे आपने बोला है, स्मोकिंग, एल्कोहल, इवन हुक्का कल्चर इतना हो गया आजकल, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि हुक्के में वाकई ये लोग निकोटीन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, पर ये सब चीज़ें फर्टिलिटी को कम करती हैं। फास्ट फूड, ये एक बहुत बड़ी
चीज़ आ गई है, होम मेड फूड दूर चला गया है। सब वर्किंग कपल्स आते हुए ना एक ऑर्डर देते हैं फ़ोन पे कि खाना घर में डिलीवर करो। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं रख पाती हैं, कहीं ना कहीं फैट बढ़ जाएगा या कार्ब्स ज़्यादा खा रहे हैं तो सारा रेशियो बिगड़ जाता है बॉडी की हेल्दी लाइफस्टाइल का। ये सब चीज़ें भी इसमें कहीं ना कहीं रोल अदा करती हैं जी। बात अगर IVF के एक्सपेंस की करें कि ये जो प्रोसेस है इसको कराने में या इस ट्रीटमेंट को लेने में कितना खर्चा लगभग एक इंसान का या व्यक्ति का आ सकता है? देखो ये सेंटर टू सेंटर भी वेरी करता है, लेकिन इवन गवर्नमेंट सेंटर्स में जैसे एम्स में IVF होता है वहाँ पे भी एक मिनिमल खर्चा 60-70 हज़ार का लगता है जो शायद दवाइयों में उनको लेना पड़ता है। हमारा जैसा प्राइवेट सेंटर है वहाँ IVF का खर्चा 1,10,000 है, और उसके अलावा जो मेडिसिन लेते हैं वो करीब, पर हम लोगों ने ये सुविधा रखी है कि MRP पे मेडिसिन ना मिलें पेशेंट को, उस रेट पे मिलें जो हमें सिर्फ 10% जो हमारी बाइंग कॉस्ट है उससे प्रॉफिट मिले, जिससे प्रोसेसिंग चार्जेस निकल आए, तो उसमें करीब 40-50 हज़ार का इंजेक्टेबल्स लग जाता है। फिर आजकल एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि हम लोग जितने भ्रूण अच्छे बना लेते हैं, ब्लास्टोसिस्ट जिनको बोलते हैं, 5वें या 6वें दिन लेबॉरेटरी में जो भ्रूण बनते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी करते हैं, तो उनको हम लोग एक 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 करके प्रिजर्व कर देते हैं -200 डिग्री पे। यहाँ पे लाइफ उनकी स्टिल हो जाती है, वहीं रुक जाती है, हम जिस दिन निकालेंगे उस दिन लाइफ फिर चलने लगती है, चाहे 4 साल बाद निकालें चाहे 2 साल बाद। और इन भ्रूणों को हम सेकेंड बेबी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, या अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भ्रूण डाला वो प्रेग्नेंट नहीं कर पाया तो सेकेंड अटेम्प्ट में तो उसका जो प्रिजर्व करके रखा जाते हैं उनका कुछ इम्पैक्ट, कुछ थोड़ा कुछ डिफरेंस उसके ऊपर अभी स्टडीज चल रही हैं कि प्रिजर्व्ड विट्रीफाइड एम्ब्रियोज का कोई बच्चों की आगे की हेल्थ पे कोई असर तो नहीं पड़ता है। विट्रीफिकेशन अब करीब 20 साल पुराना हो रहा है, सो अभी तक तो ऐसा नहीं लगता है। कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस लोगों ने सोचे कि शायद होते हैं इन बच्चों में, पर बहुत कम, मतलब अगर हम देखें 1,000 बच्चे में एक में शायद कुछ चेंज इसकी वजह से हो, पर अभी भी वो सर्टेनिटी से हमें नहीं मालूम है कि इसका कोई इल इफेक्ट है कि नहीं बच्चों पे। तो बहुत आराम से कपल्स यूज़ करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि इनफर्टिलिटी पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी रेट जो बढ़ रहा है वो महिलाओं में भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे पुरुषों में भी बढ़ रहा है। Correct. तो आप महिलाओं को क्या सलाह देंगी और पुरुषों को क्या सलाह देंगी? सबको ये बोलेंगे, एक तो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, चाहे कितना भी काम कर रहे हो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो, थोड़ी सी एक्सरसाइज, मे बी वॉकिंग, मे बी जिमिंग, मे बी स्विमिंग, प्लेइंग अ गेम, 40-50 मिनट रोज़ अपनी एक्सरसाइज में लगाओ, वॉट एवर जिसमें भी तुमको खुशी मिलती है। खाना पीना अपना थोड़ा सा होममेड फूड के ऊपर निर्भर करो, रोज़ बाहर का मत खाओ, कम से कम हफ्ते में एक दिन, मैक्सिमम 2 दिन खा सकते हो, बट बाकी टाइम घर की रोटी सब्जी दाल खाओ। तीसरी चीज़ हम ये चाहेंगे कि वो लोग ड्यूटी शिफ्ट है जो भी कुछ है कुछ टाइम अपने लिए निकालें, उस 2 घंटे में मोबाइल्स को दूर रख दें, टेलीविज़न को दूर रख दें, और कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ वो जो स्वीट नथिंग्स आप लोग बोलते हो अपनी जेनरेशन में, एक दूसरे के साथ उसकी बातें करें जिससे कि उनके बीच में एक बॉन्डिंग बढ़े और नेचुरल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होने शुरू हो जाएं। इसी के साथ वर्ल्ड IVF डे पर आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगी वो और बताइए। IVF बहुत सेफ प्रोसेस है, लेकिन अपनी उम्र के साथ चांसेस मत लीजिए, मत वेट करिए कि आप 40 के हो जाएंगे तब फैमिली बनाएंगे, उससे जल्दी आइए, क्योंकि जितने यंग होंगे उतना ज़्यादा IVF का सक्सेस रेट होगा। और IVF से डरिए नहीं। दूसरा, IVF कराने के बाद जहाँ आपको 3 दवाइयों से ज़्यादा दी जाए क्वेश्चन करिए अपने सेंटर को कि ये मेडिसिन क्यों दे रहे हैं, इस समय तो बच्चा मुझसे जुड़ रहा है, इन दवाइयों का क्या असर मेरे बच्चे पे आएगा, इसका ध्यान रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर आभा मजूमदार, जिनसे हमने IVF से जुड़ी बहुत सी आज जो जानकारी है वो हासिल की है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हेल्थ DNA और इंडिया TV।